आज मध्य प्रदेश के खंडवा में एमपीबी बिजली विभाग आनंद नगर पहुंचे कई लोग बिजली बिल की समस्या को लेकर हो रहे थे परेशान। हम आपको बता दें, साथ में रहे कांग्रेस के दो नेता मौजूद, जिनका नाम कुंदन मालवीय व साथ में हर्ष पाठक रहे मौजूद। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर फरीद मंसूरी के साथ। जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, एक भ्रांति और एक अफवाह लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा फैलाई जा रही है कि कांग्रेस आ गई है, बिजली चली जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी, और इस तरह की बातों से लोगों को भ्रमित करने की और उनमें आक्रोश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हमको कुछ लोगों ने जब इस बारे में बताया कि भैया जो बिल आए हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं और इतना इसको पे करने की हमारी स्थिति नहीं है, क्षमता नहीं है, हमने उनका परीक्षण किया, लेकिन उसके बाद हमने लगातार ये महसूस किया कि लोग लगातार कांग्रेस की सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं। तो फिर मैंने कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि के रूप में घंटा घर पर खड़े होकर लोगों से आह्वान किया कि अगर आपको लगता है कि आपके बिल ज़्यादा आए तो आइए हमसे मिलिए, हम अधिकारियों के साथ बैठ के आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तब तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर मुझे आकर अपने बड़े हुए बिजली के बिल थमाए और उसके बाद लगातार दो दिन से मेरे घर पर और मेरे अन्य मित्रों के पास, कांग्रेस के साथियों के पास, उनके बिजली के बड़े हुए बिल आते रहे जिनको मैं लेकर के यहाँ पर आया हूँ। अब सवाल इस बात का है कि इन बड़े हुए बिजली के बिलों में आखिर ऐसी क्या वजह हुई। तो मई और जून का जो महीना होता है, अप्रैल मई जून का जो महीने होते हैं, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सामान्य तौर पर गर्मी से बचाव के लिए लोग कूलर एसी का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर हमारे पिछले बीते साल का पूरा जो बिल होता है उसकी गणना और इस गणना में अंतर आ जाता है। यही वजह है कि लोगों ने जो शिकायतें की, तो हमने जो बिजली के बिल लोगों के देखे उसमें हमने महसूस किया कई जगह ऐसी स्थिति आ गई थी कि जिनको 5-6 हज़ार रुपये के बिल आते थे उनको 18,000, 20,000, 22,000 इस तरह के बिल मिले, जिनके बिल 500-700 हज़ार रुपये के आते थे उनको 3,000-4,000 ऐसे बिल मिले हैं। तो उन तमाम बिलों को हमने इकट्ठा करके यहाँ आज एसी साहब के सामने आए हैं और कल इंदौर में जब एमडी नरवाल से मेरी इस संबंध में बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि सर किसी भी प्रकार से बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी असुविधाजनक स्थिति हो जाती है कि आपके घर का बिजली काट दी गई है और आप अंधेरे में रह रहे हैं। ये बच्चों के पढ़ने का समय है और तमाम सुविधाओं का समय है, कोई घर में बीमार है, किसी को कोई सी परेशानी है। तो उन्होंने तत्काल एसी साहब को फोन लगाकर मेरे सामने निर्देशित किया कि जब तक बड़े हुए बिजली बिलों का निराकरण नहीं हो जाता, संतुष्टिजनक निराकरण नहीं हो जाता, तब तक आप किसी का भी बिजली का कनेक्शन नहीं काटेंगे। आपने बताया कि संबल योजना जो है सरकार ने लागू की थी, उसमें कई जो है नियम जो है रहते थे जनता के विरुद्ध थे। हाँ, अब सवाल इस बात का है कि जब संबल योजना लागू की गई वो चुनाव के बहुत नजदीक का समय था। युवराज सिंह की सरकार ने संबल योजना बनाकर लोगों के बीच में एक क्या कहना चाहिए उसको कि एक झांसा दिया लोगों को कि आपको 200 रुपये में बिजली मिलेगी और आप 200 रुपये की बिजली लेकर जो है जितना चाहे बिजली का इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें भी कई सीमाएं निर्धारित थी, उन सीमाओं के बारे में शिवराज सिंह की सरकार ने कभी कोई बयान जारी नहीं किया और उसके अंदर जो छुपी हुई शर्तें थी, सबसे बड़ी बात यह है कि उन छुपी हुई शर्तों के बारे में आम आदमी कभी जान ही नहीं पाया। आप मुझे बताइए कि अगर आपकी तमाम प्रकार की सब्सिडियाँ छुड़ा ली जाए, आपके बच्चों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी जाए, आपको राशन से अलग कर दिया जाए कि आपको राशन की दुकान से राशन नहीं मिलेगा, तब आप सिर्फ बिजली लेकर क्या करेंगे। तो शिवराज सिंह की सरकार ने ये सारी चीज़ें जो है छुपा कर रखी और लोगों के सामने केवल एक काल्पनिक बिजली रख दी कि आप 200 रुपये में जितनी चाहे बिजली जलाएं, लेकिन उसकी तमाम बातें अभी ऐसी साफ से जानने के बाद मुझे पता चला कि एक किलो वाट से ज़्यादा अगर आपके ऊपर लोड आता है तो आप सामान्य टेरिफ में आ जाते हैं। तो 200 रुपये का बिजली का बिल जो संबल योजना के नाम से जाना गया वो एक छलावा था और उस छलावे की वजह से आज लोग परेशान होकर यहाँ पर आए हैं। तो हम धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने आते ही इंदिरा ज्योति योजना के नाम से आपको 100 रुपये में 100 यूनिट और 100 यूनिट के बाद जैसे ही आपसे 101 यूनिट पर जाते हैं आप सामान्य टैरिफ की श्रेणी में आ जाएंगे और जो पहली 100 यूनिट है उसकी सारी सब्सिडी आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। तो ये योजना चालू है और हम लोगों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं और लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके बिल वाकई बढ़े हुए हैं, अनुचित तरीके से बढ़ाए गए हैं, हम उनको कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक कार्यकर्ता में अभी आए थे, वो कुछ जो है अधिकारियों का आरोप भी लगा रहे थे कि अभी भी बीजेपी ये 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 एक गंभीर शिकायत है। ये किसके लिए काम कर रहे हैं मैं ऐसा नहीं कहता, उनका काम है कि वो सरकार और शासन के लिए काम करें और उनको करना चाहिए, लेकिन
उनकी व्यवहारिक समस्याएं जरूर हमारे सामने आई है। कई लोगों ने कहा कि साहब हम जब तक जाते हैं तो व्यवहार ठीक नहीं होता, तो मैं ऐसी पठानी कार्रवाई के खिलाफ बात करूंगा अभी एसी साहब से, और उच्च स्तर पर भी बात करूंगा, कहना चाहूंगा, अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अधिकार का बड़ी विनम्रता से इस्तेमाल करें ताकि लोगों के मन में कोई भ्रांति या शक पैदा न हो।